अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ और छोले और भटूरे। इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है। मैदा में डालने के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सोडा, 3 चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। दही लिया है मैंने, छोटा पैक 10 रुपये वाला, ये आधा कप सूजी। अब हम आटे में 2 चम्मच चीनी, आधा कप सूजी, 1 चम्मच नमक, सोडा, 2 चम्मच ऑयल डाल के दही दही ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह से खूब मिक्स करेंगे कि सारे आटे में मटेरियल मिल जाए। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसको गर्म पानी से मैदे को गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद हम इसे 2 घंटा पहले रख देंगे। भटूरे बनाने से 2 घंटा पहले मैंने आटा गूंद दिया था। उसके बाद हम इसके ऊपर आयल लगा के एक सूती कपड़े से ढककर किसी बर्तन से ढककर रख देंगे। दो घंटा होने के बाद हम इसे छोटे छोटे पेड़े बनाकर अच्छी तरह से बेल लेंगे। बिना खुश्की लगाए बेलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है आयल लगा के। मैंने एक पैन में आयल गरम किया है और पैन हमेशा बड़ा लेना चाहिए जिससे छानने में आसानी हो। जैसे ही ये उभरने लगे तो हम इसे पलट देंगे जिससे अच्छी तरह से फूल जाती है। देखिए भटूरे कितने अच्छे से फूल गए हैं। इसी तरह सारे भटूरे हम छान लेंगे बेल के। मैंने सफ़ेद चना 250 ग्राम लिया था, ओवरनाइट सोक किया था। अब हम इसको एक कुकर में रख देंगे। और एक आलू काट करके इसमें डाल देंगे। आलू डालने से इसका गाढ़ापन अच्छा रहता है। 1 चम्मच नमक, 1 तेज़ पत्ता, दालचीनी, छोटे चम्मच से मैंने सोडा डाला है 1 चम्मच। कलर लाने के लिए उसमें हम 2 चम्मच चाय की पत्ती, 1 कप पानी में बॉयल किए हैं और इसे भी छान कर डाल देते। अगर आपके पास टी बैग हो तो आप उसे भी डायरेक्ट कुकर में डाल सकते हैं। और 2 कप पानी ऐड करके अच्छी तरह से फिर इसको हम मिला के कुकर बंद करके प्रेशर गैस पे रख देंगे। 5 सीटी तक इंशाल्लाह ये पूरा गल जाएगा अच्छे से। अब इसका मसाला हम तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने
प्याज चॉप कर ली, टमाटर चॉप किया, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 हरी मिर्च है, धनिया भी कट कर लिए, एक छोला मसाला है। अगर आपके पास छोला मसाला नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं छोला मसाला। और ये मैं तड़का लगाने के लिए इसमें मैंने पचफोरन डाला। पचफोरन में है मेथी, जीरा, सौंफ, राई, मंगरई लहसुन, इसको मिला लेते हैं। यही पचफोरन है, इससे खुशबू अच्छी आती है। उसके बाद जब तेल गर्म हो जाता है, पचफोरन डालने के बाद जब चटकने लगे मसाले, तब हम उसमें प्याज डाले हैं। प्याज को हल्की ब्राउन किए हैं। जब प्याज ब्राउन हो जाए तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद हमने इसमें 3 मिर्ची ऐड की है। उसके बाद फिर कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डाल के हम इसे अच्छी तरह से खूब भूनते हैं। जब टमाटर हमारे गल जाएं, तब हम इसमें हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 डाल के खूब अच्छे से भून लेते हैं। और मसाले के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने चने में पहले से भी नमक डाला था। उसके बाद मैंने छोला मसाला डाला, वो भी डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला होने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 कप पानी डाल के उसे भी खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर जो मैंने इमली भिगो के रखी थी उसको भी उसमें छान के डाल देते हैं और फिर उसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पानी डालने के बाद हम इसे फिर से खूब भूनते हैं। मसाला हमारा पक के तैयार हो गया है। अब हम इसमें चना जो बॉयल करके रखे थे वो डाल लेते हैं। जब कुकर ठंडा हो जाए तो हम इसे खोल के चेक कर लेंगे चने गले हैं कि नहीं। चने बिल्कुल गल चुके हैं और इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे कि आलू मैश हो जाए। उसके बाद हम इसे मसाले में ऐड कर देंगे। मसाले में ऐड करने के बाद हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसे थोड़ी देर 2 से 3 मिनट पका देंगे। हमारे स्पेशल छोले तैयार हैं। अब इसमें हम धनिया की पत्ती ऐड कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वे वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।